बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शकरगंदी बनाऊंगी। इसके लिए मेरे पास ये 1 किलो शकरगंदी है। शकरगंदी हमेशा आप वाइट वाली खरीदें, रेड वाली शकरगंदी ना खरीदें। सबसे पहले मैं इसको हर एक के ऊपर ऐसे ऑयल लगा दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह मैं सब पे ऑयल लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। सब पर हल्का हल्का सा लगा लेंगे। शकरकंदी कभी भी बॉईल ना करें, उसका सारा टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये हो गया, तो चलो हम इसको बनाते हैं। और इसी तरह थोड़ा सा कढ़ाई में भी हम लगा देंगे इसको। थोड़ा सा मामूली सा लगाने, ये सब मैं इसमें रख दूंगी। जितनी इजीली आ सकेंगी, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है 15 से 20 मिनट तक। तो 15-20 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब तक ये मेरी शकरकंदी रखी हुई है, इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। ये देखें पूरे 20 मिनट हो गए हैं, तब मैं इसे खोल के देखती हूँ। ये देखें इस साइड से मैं आपको दिखाऊं, ये देखें हो गए। अब इससे पलट के इस साइड से भी हम 20 मिनट लगाएंगे इसे, तो ये पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह से। ये देखें, अब इसको दोबारा से कवर कर दूंगी मैं। अब इस साइड को भी मैं 20 मिनट्स के बाद हम देखेंगे। ये देखें इस साइड से भी 20 मिनट्स हो गए और ये देखें हमारी कितनी अच्छी सी गल गई। अब मैं इसको 10 मिनट के 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखूंगी, फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। देखें ठंडी हो गई है, अब मैं आपको इसका निकाल दिखाती हूँ। इस तरह सारा उतार के मैं सारे इस तरह से करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी शकरगद्दी, इसको आप चाट मसाले के साथ खाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और आखिर में एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।